मौत किनारे आ लगा। जब उसने मौत की आहट को महसूस किया तो उसने यूं देखा, कोई है? कुछ नहीं नजर आया। फिर उसने यूं देखा, कोई है? उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने बड़ी नदामत से यूं आसमान की तरफ देखा और कहा, और कहा, और क्या कहा? या मन ला तदुरहु الذنوب ولا تنقصه المغفرة, ऐ वो रब जो माफ करने से घटता नहीं और अजाब देने से बढ़ता नहीं, मैंने सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, मुझे सब ने छोड़ दिया है, मेरी बेबसी पे रहम फरमा, मेरी आमद आमद है, तू ना मुझे छोड़, कि तेरे नेक बंदों से मैंने ये सुना हुआ है, तू बड़ा मेहरबान है, मुझे ना छोड़। ये कहते कहते वो मर गया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा मेरा एक यार जंगल में मर गया है, एक यार मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, उसके जाके जनाजे का इंतजाम करो और लोगों में ऐलान कर दो, जो इसके जनाजे में शरीक होगा आज वो भी बख्शा जाएगा। लोग भागे, आगे देखा तो वो बदमाश, लोग खेलने के, मूसा क्या कह रहे हो, ये अल्लाह का वली है, ये वही है जिसे हमने धक्के देके निकाला, ये वो है, ये कहां से अल्लाह का दोस्त और वली बन गया, ये कहां से ये मर्तबा पा गया? तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह तेरे बंदे ये कह रहे, तू ये कह रहा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो ठीक कह रहे हैं, मैं भी ठीक कह रहा हूं, ये ऐसा ही था जैसे ये कह रहे हैं, लेकिन जब इस पर मौत आई, इसने दाएं देखा इसे कोई नजर ना आया, इसने बाएं देखा इसे कोई नजर ना आया, पर इसने बेबसी से मुझे देखा, मेरी तरफ मुतवज्जेह हुआ, मूसा देखो मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, मौत के वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, पर अल्लाह जो चाहे कर दे। कहने लगा, मूसा जब इसने बेबसी से मुझे देखा तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया, जिसे सब छोड़ दे मैं भी छोड़ दू, मेरी इज्जत की कसम मूसा, अगर उस वक्त ये पूरी दुनिया के मुझसे बख्शिश मांगता तो इसके आंसुओं के तुफैल मैं पूरी दुनिया को माफ कर देती। कारून जैसा मुजरिम जमीन में धंस रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम की मिन्नतें कर रहा था, माफ कर दे, माफ कर दे, और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे और पकड़ो, और पकड़ो, कहता माफ कर दे, कहते और पकड़ो। जब वो सारा जमीन में धंस गया तो मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा बड़ा मजबूत था तेरा दिल, इतनी मिन्नतें सुनकर भी तू ना माना, मेरी इज्जत की कसम एक दफा मेरी मिन्नत करता मैं बाहर निकाल देता। ऐसे उमर के जमाने में कवैया गाया करता था, रोटी बनाता था, आवाज बुढ़ापा आ गया, आवाज खत्म हो गई, लोगों ने सुनना छोड़ दिया, रोटी बंद हो गई, तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा अल्लाह से कह रहा, या अल्लाह आवाज थी तो रोटी भी मिलती थी, आवाज गई तो रोटी भी गई, तू मेहरबान है, देख मेरे फाके पे रहम फरमा, मेरे रिस्क का बंदोबस्त फरमा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में सोए हुए थे, मस्जिद सोए हुए थे, तो उनको ख्वाब में आवाज आई, मेरा एक बंदा बकी में मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद को पहुंचो ए उमर। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसा उठे खौफ ज़दा, ना सर पे टोपी ना पगड़ी ना पाँव में जूता, दौड़ लगाई जन्नतुल बकी की तरफ। वो बड़े मियाँ एक झाड़ी के पीछे बैठा अल्लाह से बातें कर रहा था, जब वो तेजी से अंदर दाखिल हुए तो कदमों की आहट, उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उमर, उसने कहा आ गया उमर कोड़ा लेकर पिटाई करने, वो भागा उठ के, तो उस उमर ने फरमाया रुको रुको रुको, मैं खुद नहीं आया, भेजा गया हूँ, भेजा गया हूँ। तो वो कहने लगा किसने भेजा है? कहा वही जिससे बातें कर रहे थे उसने भेजा। तो उसकी एक चीख निकली और बैठ गया, कहने लगा मेरे रब
सारी जिंदगी तुझे भुलाया, याद किया तो पेट की वजह से किया या अल्लाह, और तूने उस पर भी लबैक कहा, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर, और उसकी चीख निकली और जान निकल गई। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने खुद उसका जनाजा पढ़ाया और कब्र में उतारा।